दोस्तों, आप जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन की अंतिम तिथि को लेकर जो है आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया हम लोगों की डेट कब तक बढ़ेगी। अगर देखा जाए, यह एक ट्रेंडिंग का मुद्दा बनता हुआ चला जा रहा है। मैंने आज की डेट में आपसे कहा था कि आपके आवेदन की डेट बढ़ जाएगी। वैसे अगर हम बात करें तो इस समय वर्तमान में देखा जाए तो आपकी घड़ी में 1 बज रहे हैं, ठीक है। 1 बजे तक अभी आपकी कोई भी डेट नहीं बढ़ाई गई है। अब आपके मन में थोड़ी सी दुविधाएं उत्पन्न होती हुई चली जा रही थी। अभी तक यह कहा जा रहा था कि 5 तारीख तक डेट आपकी बढ़ जाएगी, तो अभी तक आपकी डेट नहीं बढ़ी है। फाइनली हम आपको बताएंगे कि आपके यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन की जो डेट है वो कब तक बढ़ेगी। देख पा रहे हैं, चर्चा का विषय है यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023, जो कि आपके मुद्दे लिखे गए हैं। यहां देख पा रहे हैं आज 5 जुलाई, अभी तक डेट नहीं बढ़ी, क्यों? बिल्कुल यह चर्चा करेंगे। कब तक मिलेगी डेट बढ़ने की खुशखबरी? जो लोग बेसब्री से इंतजार में बैठे हुए हैं, जैसे ही सुबह होती है ग्रुप में आपके मैसेज आने लगते हैं कि भैया क्या आज न्यूज़पेपर की कटिंग कोई निकल कर आई है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफिशियल नोटिस का इंतजार रहता है पीएनपी का, तो बिल्कुल यह हम आपसे बात करेंगे। देख पा रहे हैं डायरेक्ट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। अब आप कहेंगे पहले ऑनलाइन नहीं हुआ, हम आपको यह बताने लगे। आपके कॉमेंट आते हैं तो मजबूरन एक एक चीजों पर हम पहले से आपको बातें किए रहेंगे, तो आगे चलकर थोड़ी सी आसानी होगी। आगे देख पा रहे हैं 20,000 30,000 में प्राइवेट वाले कर रहे हैं एडमिशन, क्या सही है? अभी तक अगर देखा जाए आपके जो लोग लगभग बात करें हम जो है आपके 60,000 आवेदन हुए हैं, ठीक है, 55 से 60,000 आवेदन हुए हैं, लेकिन आपकी सीट कितनी है? 2,33,000 के आसपास में डीएलएड की सीटें हैं। और यहां हम आपसे बात करें तो जो डायट की टोटल सीटें हैं वो 10,600 सीटें हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह एक मुद्दा बना हुआ है कि अगर 60,000 सीटों के सापेक्ष इतने कम आवेदन हुए हैं, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिनको एक भी बच्चे नहीं मिल पाएंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले हम आपसे चर्चा करते हैं कि 5 जुलाई यानी आज दोपहर हो चुका है, अभी तक आपकी डेट नहीं बढ़ी है। सर्वप्रथम मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, यहां देख पा रहे हैं आपके बीच में संपर्क माध्यम दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो बिल्कुल इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दिन भर आप इस चैनल से उस चैनल पर, उस चैनल से उस चैनल पर टहल रहे हैं कि कहीं से हमको वो खुशखबरी मिल जाए डेट बढ़ने की। देखिए, मैंने आपसे कहा है कोई चैनल से आपको खुशखबरी नहीं मिलेगी। हाँ, एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको आगाह किया है कि भैया आप लोग updlgovernment.in की वेबसाइट को चेक करते रहे, सर्वप्रथम आपको सूचनाएं वहीं से मिलेंगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सबसे पहले हम आपको दे देंगे, हम 1 घंटा 2 घंटा बाद भी आपको सूचना देंगे, लेकिन देंगे ऐसा नहीं है। लेकिन आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि सर सबसे पहले आप उस जो है updlgovernment.in की वेबसाइट को चेक करते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप अपने जो है समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं। तो बहरहाल वो सारी चीजें छोड़िए, हमारा जो चर्चा का विषय है, यहां बात करते हैं 5 जुलाई आज डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आखिरकार अभी तक क्यों नहीं बढ़ी। देखिए, जो चांसेस कहे जा रहे हैं आज शाम तक, कहे जा रहे हैं आज शाम से कल सुबह तक आपकी डेट बढ़ जाएगी। आप कहेंगे भैया परसों हम लोगों की स्टेट रैंक जारी हो जाएगी। हाँ, इस चीज को हमें भी पता है कि आपकी स्टेट रैंक जारी हो नहीं जाएगी, होने को कही गई है, ठीक है। अभी जो है आज शाम से जो है कल सुबह तक आपकी काउंसलिंग शेड्यूल दूसरा जारी हो जाएगा, तो जो पहले का शेड्यूल है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, मजबूरन मुझे इस समय वीडियो लाना पड़ा, नहीं तो मैं आपको अगर देता हूं तो सुबह वीडियो दे देता हूं, अन्यथा की स्थिति में 9:30-10 बजे रात को देता हूं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई चीजें एकत्र हुई रहे तो वही एक साथ आपको समाहित कर दी जाए। आपके कमेंट को देखकर मुझे लगा कि भैया अब आपको मजबूरन मुझे एक वीडियो देना पड़ रहा है, ठीक है। तो बहरहाल बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जो लोग इंतजार में बैठे हैं, मैंने दावा किया है 101%, अभी तक तो मैं 100% कह रहा था, लेकिन मैं आपसे 101% का दावा करता हूं कि आपकी डेट बढ़ेगी, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं नहीं बढ़ेगी, कुछ लोग ग्रुप में अराजकता फैलाते हैं कि डेट नहीं बढ़ेगी, मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि मेरे दोस्त आप यहीं लिख कर ले लीजिएगा कि डेट आपकी बढ़ेगी, ठीक है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, अब इसमें हम और क्या कहें, बस इतना जानिए कि डेट आपकी बढ़ेगी। यहाँ जो है कब तक मिलेगी डेट बढ़ने की खुशखबरी, मैंने आपको बता दिया कि आज शाम से कल सुबह तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, अगर आज शाम को नहीं मिलते, वैसे 90% चांसेस हैं कि आज शाम तक आपको मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है हम तो सचिव हैं नहीं, ठीक है, हमारा फर्ज था, हमारा धर्म था, हम वहां तक गए
जो है अपने आप में कई लोग मिलकर संघर्ष किए और इस मुकाम तक हमने आपको पहुंचाया कि लगातार दो दिन न्यूज़पेपर की कटिंग आपके बीच में आएगी, अब आपकी डेट बढ़ जाएगी। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम आपके बीच में सेल्फी लेकर फोटो ग्रुप में डाल दें तब आपको लगेगा कि नहीं ये महोदय गए थे, ठीक है। यह काम हम नहीं करते, ना हम भैया सेल्फी लेते हैं, ना किसी को सेल्फी हम किसी के साथ लेते होते, ठीक है। हमारा यह काम नहीं है। बाकी अदरवाइज आपको लगता है कि अगर हमारे लिए ये कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ हम बात करते हैं, मैंने आपसे बता दिया कि आज शाम से कल सुबह तक इंतजार कर लीजिए। बात करते हैं डायट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, ये आप पूछ रहे थे। हालांकि सिर्फ और सिर्फ चर्चा का विषय हमारा यही दो मुद्दा था, लेकिन और हमने दो मैटर को समाहित किया, चूंकि जिसके पीछे मजबूरी थी, यह आपका बहुत सारे जिनके आवेदन हो चुके हैं वो पूछ रहे थे कि भैया हमें बता दीजिए। हमने कहा भैया और भी आवेदन हो जाने दीजिए, सबको हम बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप बता दीजिए, मजबूरन मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए यहां मैंने कहा आपसे डायरेक्ट एडमिशन जो है डायट में कैसे होता है। देखिए डायरेक्ट एडमिशन डायट में तब होता है जब आपके जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो जाती है। इस कंडीशंस में आपने काउंसलिंग प्रोग्राम में भाग लिया और आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आपको जिस डायट में एडमिशन लेना है अगर वहां सीटें होती हैं तो आप वहां पर संपर्क करेंगे, आपको वहां एडमिशन वो दे देंगे। वैसे वो खुद लिस्ट निकालते हैं, ठीक है, कि हमारे यहाँ इतनी सीटें खाली हैं, जो उनके यहाँ पढ़ लिख रहे हैं उनसे भी कहते हैं कि भैया एडमिशन हो हमारे यहाँ भी करवा दीजिए, ठीक है। तो उन बच्चों से आप जानकारी ले लीजिएगा, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, जिस डायट में आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, आप वहाँ से संपर्क करके आप एडमिशन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन होता है और ये लीगल भी है, ठीक है, परेशान मत होइएगा, जहाँ आपको जाना होगा आप चले जाइएगा। हाँ, ये आपके कॉमेंट आ रहे थे कि भैया हम डायट से करें या प्राइवेट से करें। देखिए मैंने आपसे कहा है कि चाहे आप डायट से करते हैं चाहे आप जो है प्राइवेट से करते हैं, ठीक है, परीक्षा आपको वहीं देना होगा, है ना, परीक्षा आपको सेम पेपर उनका भी रहेगा, सेम पेपर आपका भी रहेगा, आपको भी यूपीटेट देना होगा और उनको भी यूपीटेट, यानी जितने भी प्रोसेस से डायट वाले गुजरेंगे उतने ही प्रोसेस से आप भी गुजरेंगे। हाँ, थोड़ा सा फर्क ये होता है कि आपकी फीस यानी प्राइवेट की फीस 41,000 रुपया होती है और डायट की फीस 10,200 रुपये होती है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं आपका जो है आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं और आपने ले लिया प्रयागराज डायट, ठीक है, तो अब जरा सा विचार करें, अभी आप आजमगढ़ में लिए होते कोई प्राइवेट कॉलेज अपने घर के आसपास में और आपके पास भैया आमदनी है तो आप ठीक ले लीजिएगा, ठीक है। हम मानते हैं कि आपका घर आजमगढ़ में है और आपने ले लिया इलाहाबाद डायट, तो जरा सा विचार करें, इलाहाबाद में आएंगे, रूम लेंगे, खर्चा वर्चा यहाँ 5-7 हज़ार रुपये 8,000 रुपये कम से कम आपका बैठ जाएगा, तो आपके लिए बेहतर वही होगा कि आप अपने घर के आसपास में ले लीजिए, ठीक है, आप प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए, यार कोई जो है बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, प्राइवेट भी आपके लिए बेहतर होता है, ठीक है। आप अटेंडेंस पूछ रहे थे, तो आप जो है प्राइवेट में थोड़ी सी रियायत आपको मिल जाती है, लेकिन डायट में हालांकि ये जो है एकदम मुद्दा हो चुका है, सब लोग जान रहे हैं, ठीक है, यह कोई छुपाने वाली बात नहीं है, डायट में आपको क्लास रेगुलर करना होगा। वैसे अगर हम बात करें तो यह आपका शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स है, आपको अनवरत जाना पड़ता है, बट जो है अब बहरहाल आप सारी चीजों को जो है जब आप कॉलेज में जाएंगे अटेंडेंस वगैरह के बारे में पूछेंगे तो वो लोग खुद आपको बता देंगे। ये सार्वजनिक मंच है, यहां से ऐसी कोई चीजें नहीं बताई जा सकती जो शासन प्रशासन के खिलाफ हो, ठीक है। तो बहरहाल आप इसके जिम्मेदार खुद हैं, आप डायट में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा किसी स्थिति में आपके लिए प्राइवेट के दरवाजे खुले हैं। अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो बिल्कुल सबसे पहला काम करिएगा कि आप उनके बैकग्राउंड को समझिएगा, ठीक है, कि उन्होंने जो एडमिशन किया है उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कैसे क्या उनका चल रहा है, सारी चीज़ों को जानने के बाद तभी आप उस कॉलेज में जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रहने वाले इलाहाबाद के हैं और चले जाइए आप लखनऊ में ले लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज, यार कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। प्राइवेट आप अपने घर के आसपास में भी ले सकते हैं, है ना, ये चीज़ें आप समझदार हैं, समझ सकते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ। चलिए यहाँ देखिए आपको जो है विभिन्न कॉलेज वाले, मेरे पास तो बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि भैया आप हमें एडमिशन दे दीजिए, हम आपको, देखिए ये मैं खुला चैलेंज आपसे कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोई आपको बताता नहीं है, लेकिन हमें आपसे प्यार है, आपसे सब कुछ है, ठीक है, हमें यार 2-4 हज़ार रुपये मिल जाएगा एक्स्ट्रा, कोई हमारा उसमें से पूरी ज़िंदगी पार नहीं हो जाएगी, लेकिन हमें आपके साथ हमेशा एक शिक्षक के तौर पर बिहेव करना है, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि भैया आप हमें एडमिशन दे दीजिए, हम 20,000 में आपका एडमिशन कर लेंगे, 20,000 में 2,000-4,000 हम आपको भी दे देंगे, कोई कह
कह रहा है 30,000 में जो है 30,000 आप करवा दीजिए, हम आपको 4-5,000 रुपया दे देंगे कमीशन के तौर पर। मैंने कहा भैया मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि प्लीज आज तो आपने इस मुद्दे पर फोन हमारे पास कर दिया, लेकिन आइंदा आज के बाद मेरे पास कॉल मत करिएगा, ठीक है। मैंने उनसे इसी तरह से कहा, बाकी अदरवाइज आप जो है आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं बाकी उसके आप खुद जिम्मेदार है। मैंने कभी भी यह नहीं कहा कि यार आइए हम आपका एडमिशन करवा देते हैं, ठीक है, और ना ही मैंने कहा है और ना ही मैं कहूंगा, आपकी जहां इच्छा आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। लेकिन ये 20,000 और 30,000 वाले जो एडमिशन की बात कर रहे हैं ना, ये जान लीजिएगा कि आपके लिए खाई खोद रहे हैं। जैसे किसी की आर्थिक स्थिति अगर वो ठीक नहीं होगी, कोई बच्चा गरीब घर से बिलोंग करता होगा, अगर उनसे कहेंगे कि बाबू आ जाइए मैं आपको 20,000 में एडमिशन दे दूंगा, एक साल आपका पार हो जाएगा, तो पहले चीज ध्यान रखिएगा कि यार उनकी तो 41,000 फीसी है, तो ये 20,000 में कहाँ से एडमिशन करेंगे, अपने जेब से तो ये आपको 21,000 रुपये लगाएंगे नहीं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपको फीस 41,000 देना ही पड़ेगा भले ही स्कॉलरशिप ना आए। कुछ लोग कहेंगे कि हम स्कॉलरशिप बेस पर कर लेंगे, पता लगा स्कॉलरशिप ना आए तब आप क्या करेंगे, यही आप फंस जाएंगे आकर। पहले सेमेस्टर का तो एग्ज़ाम दिलवा देंगे ताकि आपकी और भी चीज़ें उसके आपकी जो आशाएँ हैं इच्छाएँ हैं और भी DLED के प्रति बढ़ जाएँ, ठीक है। एक सेमेस्टर दे देंगे, दो सेमेस्टर दे देंगे, उसके बाद आपको वहीं फंसा देंगे कि भैया अब आप पूरी फीस जमा करिए, तब जाके हम आपको एडमिट कार्ड देंगे और तब जाके आप परीक्षा में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को खास तौर पर ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपको कोई लिखित तौर पर दे रहा है, कोई साइन मोहर करके वो दे रहे हैं कॉलेज वाले, तब आप उनके यहां जाइएगा ताकि आपके पास भी कोई हथकड़ा हो, आप उन्हें फंसा सके कि भैया आपने हमें कहा था 20,000 में और आप किस प्रकार से हमें मांग कर रहे हैं कि अब हमें जो है 21,000 रुपए और दीजिए, ठीक है। इन सभी चीजों को आप अच्छी तरह से समझिएगा। बाकी अदरवाइज आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो बिल्कुल आपका जो है नंबर दिया जा रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉल रिसीव नहीं होते, चूंकि कॉल्स बहुत आते हैं इसलिए आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप है और आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। यहाँ डेट आज शाम तक या कल सुबह तक आपकी बढ़ जाएगी, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। मैंने हालांकि शाम तक कहा है, शाम तक 90% चांसेस है, 10% थोड़ा सा संशय के विषय है, ठीक है। उसके पीछे कई वजह है, वहां जाया गया तो वहां से कुछ चीजें निकल कर आई हैं, वो चांसेस हैं कि 90% बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी आपकी कोई समस्या होती है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं।